हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। दो तीन जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगी महाज और सलीबियों के खिलाफ इनकी काविशें बयान कर रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि अमीर मिस्र बनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पहली जंग जो सलीबियों के खिलाफ लड़ी, उसमें फतह हासिल करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी साहली इलाकों में ही मौजूद था और वहां पर सलीबियों की कश्तियों और इनके औजारों की जांच पड़ताल कर रहा था कि अचानक इसके पांव के पास एक तीर आके लगा। ढूंढने पे वहां पर तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक ताजर मिला जिसके साथ कुछ लड़कियां थी जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से दरख्वास्त कर रही थी कि सलीबी इन्हें जबरदस्ती अपने साथ लाए और बेआसरा छोड़ दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पनाह में ले ले। यहीं से एक नई साजिश का आगाज होता है। तो आइए नाजरीन दास्तान शुरू करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजर से कहा, इन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती, हम इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते के कोई मुसलमान इसके साथ शादी कर ले, इसे कहो मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। इन्हें बताओ कि इन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं इन्हें इस्लाम की बेटियों की तरह पनाह में लेता हूँ, अपने दारुल हुकूमत में जाकर यह इंतजाम कर दूंगा कि इन्हें ईसाई राहबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा। पादरी यरूशलम में होंगे। दूसरी सूरत में ये है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिले एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें ये भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिले। इनकी ज़रूरियात और इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। ताजर ने लड़कियों को इनकी जुबान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताई तो इनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शरायत पर रजामंद हो गई। ताजर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। इनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। इनके चेहरे लाशों की मानंद थे। इनके मुतलक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैर कर साहल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। इनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। वो सब बैठ गए। इनमें से एक के चेहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कराह रहा था। इसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। इसने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर कैदी इसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। इसने इन कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात न की। अलबत्ता इस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म ना था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सालारों से कहा, अली बिन सुफयान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। इसने इस कैदी की तरफ देखकर कहा, ये आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नजर में रखना और जब अली बिन सुफयान आए तो इसे कहना कि इससे तफसीली पूछताछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियां टूटी हैं। इन्हें फौरन जख्मी कैदियों के खेमे में पहुंचा दो, इन्हें खिलाओ पिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को इस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां इन्हें जाता देखती रहीं और फिर इन लड़कियों को भी ले गए।
फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नसब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे, वहां भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां इनकी तरफ देख रही थी। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गई और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर इस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदियों को ले गए थे। इसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने इसे देखा और इसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुरा कर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर इसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गुरूब हो गया। फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुलगपाड़े पर नींद गालब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाजें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर पर एक बहरिया रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे। यह सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के अंदर दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार इसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफयान अभी तक नहीं आया। इसके लहजे में तशवीश थी। इसने कहा, इसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इतला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ नफरी 1,500 सवार 2,700 प्यादा है। इनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा हैं। नाजी और इसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सलार ने कहा, क्यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अय्यूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफयान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खसूसी फंड से दबाने की कोशिश करे। इसे अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहां के अहवालों को फाइफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सलारों के साथ काहरा की सूरत हाल के मुतल्लिक बातें कर रहा था, इसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगीं। संतरी ने देखा वो पूरी साथ है और सो रही हैं, तो इसने पर्दा गिराया और खेमे के साथ लगकर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी, इसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर इसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। इस तरह कानों कानों में ये इतला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकलकर बिस्तर जमीन पर बिछे थे। इसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे इनके नीचे लड़की लेटी हो। वो पांव पर सरकती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गजीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से इसके और संतरी के दरमियान खेमा हायल रहा। टीले के पास पहुंचकर इसने उस खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे।
रात तारीख थी, वहाँ कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पाँव पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थी। वो उनकी ऊंट में सरकती हुई खेमे के करीब पहुंच गई, मगर वहाँ एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी इसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। वो अब दो संतरियों के दरमियान थी, एक इसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। इसे डर ये था कि जख्मियों का संतरी इसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। दो तीन जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे, शायद इनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। इसने नहीं आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा, राबिन कहाँ है? इसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरी आदमी के पाँव को हिलाया तो आवाज आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोबी। राबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और इसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। इसे अपने पास लिटा कर ऊपर कंबल डाल दिया और बोला, तंत्री ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। इसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तो प्यारे नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा क्योंकि दास्तान अभी जारी है।